एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर से, जहां मुख्य कृषि अधिकारी सुगर सिंह वर्मा के कमरे पर अज्ञात द्वारा फायर झोंक दिया गया। आपको बता दें कि शनिवार देर रात 10 बजे के लगभग जो है जो मुख्य कृषि अधिकारी हैं, उन्होंने अपने आवास पर वो थे, और जहां अचानक उन्हें धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक के बाद एक फायर जो है कमरे में झोंके जा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारी द्वारा पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि पहाड़ों की जो शांत वादियां हैं, वहां पर इस तरह की घटना कहीं ना कहीं जो है हैरत में डालने वाली है कि आखिर इतनी बड़ी घटना वास्तव में पहाड़ों की शांत वादियों में कैसे हो रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की छानबीन में पता चला कि कृषि अधिकारी का जो वाहन चालक है उमेश कनवाल, उसके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना के बाद से अधिकारी संवर्ग जो है पूरा जो है सकते में है। इसके बाद जो है घटना के बाद से ही अधिकारी जो लोग हैं वो सकते में है। लेकिन जो है बागेश्वर जैसे शांत पहाड़ी जिले में इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। इसमें पुलिस कई एंगल देख रही है कि आखिर जो है जो चालक था जो कृषि अधिकारी का, वो किस बात से जो है कृषि अधिकारी से नाराज था, क्या ऐसा कुछ उसके मन में चल रहा था कि उसे जो है कहीं ना कहीं फायर जो है झोंकना पड़ा कृषि अधिकारी के ऊपर। तो ये सारे तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर अभी जांच होनी अभी बाकी है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि पहाड़ों में अगर इस तरह की घटना हो रही है, और वो भी एक मुख्य कृषि अधिकारी का जो चालक है वही इस घटना को अंजाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचने विषय भी है। बार को मैं बल्कि लेट यहाँ से ऑफिस से गया था 6 बजे के आसपास, तो ऐसी मेरे मतलब कोई बात ही नहीं थी। निश्चिंत होकर मैं कमरे में गया, फिर खाना ना खा के मैं जैसे जल्दी खाना खा लेता हूँ और अपनी चारपाई में बैठ गया था। तो उस समय मैं पेपर देखा, पेपर देखने के बाद कुछ अपना मोबाइल देखने लगा, तो लगभग 10:15 बजे की ये बात है, तो मेरे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो 10:30 बज रहा था, तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं अक्सर खोलता भी नहीं हूँ रात को। फिर इसके बाद जो है मैं अपना मोबाइल देखने लगा, और बाद में जो है उसके द्वारा जो है जाली काटी गई। पहले जाली काटने के बाद जो है उसने जो है फोर्स के साथ खिड़की खोली, तो खिड़की के पास हमारी चेयर रखी हुई थी, चेयर गिरी, भड़ाम हुई, और इसके बाद उसने जो है बाहर से भी एक फायरिंग की, जैसा कि जो है मतलब मुझे 2 फायरिंग की आवाज़ आई। तो पहले बार जब दरवाज़ा खोला, इसके बाद उसने जाली काट के सीधा अंदर से जो है फायर किया, क्योंकि उसने सोचा होगा कि जो है ये आदमी और पे आएंगे। तो मैं उठा नहीं, क्योंकि फायर की आवाज़ आई मुझे, और मैंने ये महसूस किया कि मेरे मकान के अंदर किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ा हुआ है और फायर किया है, तो निश्चित तौर पर वो मुझे बाहर से देख रहा होगा। तो मैं चारपाई में बैठा ही रहा और मैं उठा नहीं। इसके बाद फिर थोड़ी देर में जो है दूसरा फायर उसने किया, तो जैसे फायर किया तो दीवार में लगा, और उसकी छतें हैं या जो उसकी गोली थी वो गिरने की आवाज़ आई, और दीवार टूटी उसकी भी आवाज़ आई, और मेरे दोनों कमरों में धुआं भर गया और काफ़ी स्मेल आई। तो तब भी मैं जो है बैठा रहा, मैं उठा ही नहीं। और इसके बाद तब मैंने जो है आवाज़ दी कौन है, और उसने भी जैसे बाहर से गाली गलौज की है। तो इसके बाद फिर वो पता नहीं किस समय चला गया, और ये मुझे जानकारी नहीं हुई। और यदि मैं जो है पहले ही जाली काटते समय जैसे जब उसने दरवाज़ा खटखटाया था, यदि मैं अपनी चारपाई से जो ऐसे उठ के यदि गेट के पास भी आ जाता अंदर वाले गेट पर, तो उसका सीधा अंदर वाले गेट पर से सारा ही लोकेशन का पता था कि कहाँ सोते हैं, क्योंकि मेरा ड्राइवर है वो श्री उमेश सिंह कनवार, और वो आता जाता था अक्सर जो है। उसके ने जो है पहले भी यहाँ विभाग के साथ जो है पहले भी मुख्य कृषि अधिकारी मौर्य जी रहे हैं, उसके साथ भी ये घटना करी है यहाँ। जैसे कि मेरे संज्ञान में आ रहा, लोग बता रहे हैं कि इसके पास 2-3 केस भी चल रहे हैं कोर्ट में, तो कई ये जिले में पहले भी जो है वारदात कर चुके हैं। हमारे स्टाफ के प्रति भी उसकी जो है सभी से नोकझोंक होती थी। तो जैसे इस समय राजकीय कार्यों का ज़्यादा प्रेशर है, तो उसकी प्रेशर की वजह से अक्सर जो है मीटिंगों में लेट हो जाना है और ऑफिसों में काम करना पड़ता था। तो उसने जो है इसी की रंजिशें के तौर पर जो है उसने मेरे ऊपर जानलेवा पूरा हमला किया। ये तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं बच गया, और अन्यथा जो है वो घटना का पूरा अंजाम दे देता। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके चालक द्वारा आप पे फायर झोंका गया है, आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या पूर्व में ऐसी कोई बहस या आपके बीच में ऐसी कोई बात हुई थी जिससे कि कहीं ना कहीं वो रंजिश में नजर आ रहे थे जिनके द्वारा ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया गया है?
नहीं, इस टाइप की तो कोई बहस हुई नहीं थी। जैसे कि अब थोड़ा देर हो जाते थे तो अक्सर वो कहता था मुझे जाना है, और जब उसको छुट्टी के लिए कहता था तो हमने छुट्टी के लिए भी भेजते थे। तो ऐसी कोई इतनी ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं थी। यदि कोई बात होती तो डिटेन में देता, मुझसे मौके कहता, हम उसको जो है उसकी हेल्प करता था और वैसे भी करता। लेकिन जैसे कि उसको सारी चीज़ों से जो है ज्ञात होता, उसकी ये प्रवृत्ति जो है बन चुकी थी। उसके जेल भी वो पहले जा चुका है, जेल भी रहा है, लेकिन यहाँ के जो है पहले जो अधिकारी जो रहे उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं तो इस टाइप के जो है हिस्ट्री सीटर जो आदमी बनता है जिसकी ये प्रवृत्ति, उसको तो पहले निकाल देना चाहिए था यहाँ जो है ऑफिस से। और ये सारा जो है अधिकारियों में भय व्याप्त है कि ड्राइवर इस तरीके से घटना करने लगा है तो अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे। तो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि विभागीय चालक द्वारा इन पर फायर झोंका गया है, और वहीं उनमें पूर्व से 2 से 3 केस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग में एक चालक के तौर पर उनकी तैनाती और अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ऐसे वाहन चालक को क्यों विभाग में तैनाती दी गई है। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि सभी अधिकारियों में कहीं ना कहीं भय भी व्याप्त है कि उनके साथ भी अप्रिय घटना हो सकती है। अब यह घटना के सामने आने के बाद और आरोपी की पहचान होने के बाद विभाग का किस तरीके का एक्शन रहेगा, विभाग की क्या कार्यप्रणाली रहेगी, यह भी अपने आप में दिलचस्प है। और पहाड़ टीवी लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।